बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। भाई आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो दो अपडेट्स हैं। एक अपडेट ये है कि माशाल्लाह आज तकरीबन सारे जानवरों के जो है ना वो खुर बन चुके हैं, ठीक है। दो चार जानवरों के खुर वाले ने देख के ही बोला कि अभी इनके खुर नहीं बनाने चाहिए, इतने बड़े हुए नहीं हैं। जैसे दोनों बच्चे जो हैं और दोनों मामा काउज जो हैं, इन चार जानवरों को छोड़ा है, बाकी तकरीबन 41 जानवरों के आज जो है ना वो खुर बने। और वो सुबह 7-8 बजे से आए हुए थे और मैं भी जुम्मे की नमाज़ के बाद पहुँचा हूँ, तो आखिरी बछड़ा चल रहा था तो मैंने उसका क्लिप एक हल्का सा रिकॉर्ड किया है, वो मैं यहाँ पे लगा दूँगा। अच्छा, हमने बनवाए वैसे खुर मुमताज़ भाई से, ये इसीलिए लेट हुआ है इतना खुर बनवाने का सीन कि तकरीबन 2-2.5 हफ्ते से मुमताज़ भाई को मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। ये जमील मेमन सोसाइटी में जितने भी अच्छे अच्छे बाड़े हैं सब में जो है ना ये मुमताज़ भाई बना रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं लेकिन इनका काम बहुत बेहतरीन है। इस वजह से जो है ना जैसे ही इनको टाइम मिला ये आज आ गए और इन्होंने अल्लाह के करम से बहुत बेहतरीन काम कर दिया है। तो अभी है कि 2-4 दिन तक जानवर थोड़ा सा लंगड़ाएंगे। आज सुबह भी जानवरों को वंडा हल्का दिया है, अभी दोपहर में भी हल्का दिया है ये खुर वाले मामले की वजह से, ठीक है। लेकिन फिर इंशाल्लाह सारे सेटिंग में आ जाएंगे। अब दूसरी अपडेट और इन्फॉर्मेशन ये है इसके अलावा कि हमारे फार्म से एक बछड़ी जो है ना वो जा रही है, वो वैसे अवेलेबल फॉर सेल नहीं थी लेकिन जो है ना वो एक बहुत ही यानी कि शौकीन है, उन्होंने बड़े दिल से मांगी बछड़ी, तो इस वजह से जो है ना वो बछड़ी हमने दी है, अब आपको उनसे मिलवाता हूँ। अच्छा जी, जावेद भाई हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? ठीक है, शुक्र है मालिक का। अच्छा जावेद भाई, पहले तो सारी बातें होती रहेंगी, एक छोटा सा आपसे रिव्यू लेंगे। आपने कलेक्शन देखी और फार्म की पलाई वलाई देखी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेटअप वेटअप, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा जी, बाकी है कि ये रानी बछड़ी है, आपको पता है अनाफ भाई की बछड़ी थी, तो उन्होंने जो है ना वो जावेद भाई को इसलिए सेल करी क्योंकि इनका जो है ना वो घर के ऊपर सेटअप है, तो उसका शौक़ करते हैं अपने घर के ऊपर ना, तो उन्होंने बोला यार मैं बछड़ी अपने हाथ से पालना चाह रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है अनाफ भाई, आपकी चीज़ है, आप जिसको बेचना चाहें कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसे शौकीन के पास जा रही है जो अपने हाथ से उसको पालेगा, अपना शौक़ खुद करेगा, तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। तो जावेद भाई बछड़ी कैसी लगी है बताएं? बछड़ी अच्छी लगी, जब भी तो अनफ भाई को मैंने बोला कि भाई मुझे दे दो, मैं खुद पालूंगा, मेरे को शौक है, इस वजह से मैं अपने मेरे को भी बहुत शौक है जानवरों का, मैं भी मंडी वगैरह घूमता रहता हूँ, मेरे को पसंद आ गई, इस वजह से मैंने बोला, वो मना कर रहा था फिर भी मैंने उनसे जिद से ले ली, मैंने बोला दे दो मैं खुद पालने के लिए, मेरे को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये इनके उनसे जो है ना वो रिलेशंस भी हैं, तो इस वजह से मैंने बोला भाई उनकी चीज़ें कोई मसला नहीं। बहरहाल अब रानी जो है ना वो आज उसको हम रुख्सत कर देंगे, चली जाएगी, और अल्लाह पाक आपको मुबारक करे, आपके शौक में बरकत दे, इंशाल्लाह आइंदा भी कोई चीज़ चाहिए हो तो भाई फार्म हमारा ओपन है। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। अच्छा जी, रानी को ज़रा चलाओ, जाने से पहले ज़रा रानी के भी वैसे आज खुर बने हैं, तो चाल में आपको थोड़ा सा फ़र्क तो नज़र आएगा, खुर की वजह से एक तो दर्द भी होता है जानवर को, दूसरा ये है कि इनको थोड़ा सा बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है, उसकी वजह से जो है ना ये थोड़ा सा जानवर आज टुन भी हैं, सुन भी हैं और टुन भी हैं, ये वजह है सारी ना। तो खैर अच्छा है, जाने से पहले माशाल्लाह बछड़ी के खुरबुर भी बन गए हैं, सारी सेटिंग हो गई अल्लाह के करम से, तो अब आज जो है वो बछड़ी लोड होगी। मैं अभी बेसिकली मैंने एक फार्म पे वीडियो बनाने जाना है, तो मैं बस जावेद भाई से मुलाकात करके अब निकल रहा हूँ, फिर वो खुद ही इंशाल्लाह लोड करके, अभी गाड़ी वाला आएगा इनका तो वो लोड करके ले जाएंगे। ठीक है भाई, आगे फिर इंशाल्लाह अगली अपडेट में मिलते हैं। चलो भैया, लास्ट बछड़ा जो है ना उसके खुर बनाए जा रहे हैं और थंडर के, बाकी तो सबके हो गए। अभी सारे सुकून से बैठे हैं, सब बैठे हैं, देख रहे हैं खुर बने ना तो सारे बैठ गए। आज इनको वंडा भी सुबह भी हल्का दिया गया है और दोपहर में भी इतना ज़्यादा वंडा नहीं दिया जाएगा क्योंकि लिटाया जाता है ना जानवर को पेटी मार के, तो उसकी वजह से जो है ना अभी सारे लिटाए गए हैं ना खुर बनाने के लिए, देखो गंदे भी हो रहे हैं, मिट्टी में लिटाए गए हैं इस वजह से, लेकिन पाँव कितने अच्छे अच्छे हो गए भाई माशाल्लाह। अभी 1-1.5 हफ्ता इनकी चालें भी थोड़ी सी उल्टी सीधी रहेंगी, सबकी चालें टुनकी हो रही है भाई, आज तो सब टुनकी में है। तौबा तौबा, माजरत चाहूँगा उल्टी सीधी लैंग्वेज, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी ऐसी बातें भी करनी पड़ती हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखो खा नहीं रहे, देख रहे हैं आप उसने क्यों, सही है, यही है। आज वैसे भी कम वंडा डाला है, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि वंडा
बचा रहे हैं ये लोग। यहाँ पे हमने सबको एक एक कुंडा छोड़ के ज़रा खुला कर दिया है क्योंकि अभी स्पेस है, तो हमने ज़रा सुकून से सबको बांधा हुआ है, ये वजह है। देखो इन्होंने भी बटरफ्लाई भी नहीं खा रही है, चेहरे के ऊपर ही नज़र आ रहा है कितनी नींद में है बेचारी। आहिस्ता आहिस्ता नशा उतरेगा तो फिर होश आएगा। नूरे चश्म शहजादी रानी ये आ गई। गोल्डी गोल्डी भी नहीं खा रही है आज, इसको भी नशा ज़्यादा तारी हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है। बहरहाल एक चीज़ आप लोग को मैं बताता चलूँ कि मैंने इतना वेट मुमताज़ का इसीलिए किया है क्योंकि भाई खुर बनाने का मामला हो या सींग बनाने वाला मामला हो, ये बड़ा एक संगीन मामला है। देखो खुर भी नहीं खा रही है, बैठी हुई है, तो ये ऐसा एक मामला होता है, बड़ा एक क्रिटिकल मामला होता है। इसमें पैसे बचाने के चक्कर में ना हर बंदे से सस्ते बंदों से नहीं काम करवाना चाहिए, इसमें जो माहिर हो और एक अच्छी जगह पहले से काम कर रहा हो उसकी मार्केट में एक वो हो, तो उसी से ही जो है ना मैं समझता हूँ ये काम इस तरह का करवाना चाहिए। ये सारा सीन है, देखो सारे खुर पड़े हुए हैं जानवरों के, कचरा पड़ा हुआ है खुरों का, यहीं पर ही सबको लिटाया है और लिटा के बनाए। तो ये आ गया मिक्की माउस। हाँ, उसके नेम की अनाउंसमेंट भी करनी है आप लोग, अभी मैंने वीडियो अभी पब्लिश करी है, असल में आज अभी कमेंट्स पढ़ूंगा आप लोग के क्या क्या सजेशंस आ रहे हैं, उस हिसाब से फिर उसके नेम की अनाउंसमेंट करेंगे नए बछड़े की। इन बच्चों के खुर नहीं बने दोनों के, इस वजह से ये बड़े सुकून से खा रहे हैं मंडा। याकूत, टेडी बेयर, लाडला। हाँ, एक अपडेट आपको और ये देनी थी कि माशाल्लाह अब यहाँ से भी सारा सफाई का काम मुकम्मल हो गया है इन खातों में भी, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है ना वो ये गोबर निकली है, पूरा एक गोबर का यहाँ पे पहाड़ हो गया है। और ये भी इंशाल्लाह अब बाहर से वो ट्रक आएगा ना, जो खाद उठाने वाला ट्रक वाला होता है, तो वो उठा के ये लेके चला जाएगा सारा यहाँ से। तो सफाई मुकम्मल हो गई है, अब मिट्टी वाले को 4-5 दिन से ऑर्डर कर रहा हूँ, लेकिन जो मिट्टी मैंने मुझे चाहिए ना वो वाली मिट्टी मिल नहीं रही है, ये बड़ा एक मसला है। ये देखो अपना वंडा खा चुकी है ये, और अब यहाँ आके बड़े जानवरों के वंडे में घुस रही है। और एक और बात आपको बतानी थी, बकरी के लिए आज एक न्यू एंट्री आई है, वो भी आपको दिखाते हैं चल के। आज हमने जो है ना वो एक बकरा परचेज़ किया है, क्योंकि बकरी जिसने सेल करी थी मेरे छोटे भाई को, उसको ये बोल के की थी कि बकरी लगी हुई है, गब्बन है, लेकिन बकरी जो है ना फिर हमने चेक वेक करवाई थी तो वो खाली निकली। अब बकरी खाली पल रही थी, तो आज ही उसके लिए एक ब्रीडर बकरा भी लेकर आए परचेज करके, और वो रहा सामने, तो बकरी का भी अब जोड़ीदार आ गई है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, डाडा इसका भी नाम रखते हैं कोई, टैडे का क्या ख्याल है। माशाल्लाह है बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह। इसको देख के कोई ये ना समझे कि मैंने गोट फार्म ओपन कर लिया है और मैं बकरे भी पालना शुरू कर दिए हैं, भाई ये ऐसे ही घर के लिए शौकिया रखे हैं, एक बकरी रख ली एक बकरा रख लिया, ये सीन है। अभी गोट फार्मिंग की तरफ जाने का इरादा नहीं है, क्योंकि अभी सारा का सारा फोकस जो है ना वो कैटल फार्मिंग के ऊपर है। अच्छा, आज जो है ना वो सारे जानवर नहलाए भी हैं, तो मैंने बोला ज़रा आपको ना वो दे दें एक एक ओवरव्यू। अब ये जो क्लिप है ना, ये खुर कटिंग के बाद अगले दिन का है क्लिप, सही है, खुर कटिंग वाला भी, क्योंकि वीडियो बनी थी सिर्फ 6-7 मिनट की ना, तो मैंने जो है ना वो इस वजह से वो वीडियो डाली नहीं। मैंने बोला उस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए दोबारा से थोड़ा सा क्लिप बना लें, क्योंकि छोटी वीडियो आप लोग को पसंद नहीं है। तो अभी यह है कि एक नज़र ना मैं अभी, क्योंकि आज जानवर नहलाए हैं और अभी आज वंडा नहीं हुआ है, सुबह के भूखे खड़े हुए भी मक्खन खिलाया जा रहा है, और मैंने बोला एक एक नज़र आपको सारे जानवर दिखा दूँ। ये अपना लियो आ गया, ठीक है जी। अच्छा, ये शेरा है, शेरा की तबीयत मुस्तकिल ख़राब चल रही है, जो इसके ओनर हैं वो जो है ना वो अल्लाह आपका भला करे उनको इन्फॉर्म कर रहा हूँ मैं एक एक चीज़। कल इसको ड्रिप भी लगी है, सही है, ये पहले FMD में आया है उसका ट्रीटमेंट हुआ है, फिर ये नमोनिया में आया उसका ट्रीटमेंट हुआ, फिर बीच में एक दो दिन इसका पेशाब बंद हो गया उसका ट्रीटमेंट हुआ, उस वजह से ये बहुत अपसेट चल रहा है। कल इसको एक ड्रिप लगी है, अभी एक दो दिन छोड़ के दोबारा इसको ड्रिप लगेगी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि आज इसने सुबह का तो अंडा खाया है, दोपहर का देखते हैं खाता है नहीं खाता। ये आ गया भोला,
भोला का हमने आज से मक्खन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो भोला मक्खन वाली पलाई पर आ चुका है। इसके बाद आ गया अपना प्यारू, प्यारू का तो मक्खन चल ही रहा है, बाकी सबका तो चल ही रहा है। हाँ, ये आ गया ऊद और जमजम, इनका भी जो है ना आज से मक्खन स्टार्ट हुआ है, ठीक है जी। तो भूखे खड़े हैं अभी सारे जानवर, क्योंकि अभी मक्खन लगाया जा रहा है। वो आपको शायद दिख रहा होगा, वो देखे सामने, यहाँ इन सब का हो गया मक्खन, अभी वहाँ तक पहुँच गए हैं, वो ब्लैक गोल्ड को लगा रहे हैं सामने, ठीक है जी। तो ये हो गया हुसन, क्यों आ गया भाई माशाल्लाह। इसके बाद आ गया अपना मुफासा, न्यू बछड़े के लिए लोग मुझे मुफासा नाम बोल रहे थे, तो मुफासा तो हमारा पहले से है, ये बछड़ा है हमारा, इसका नाम है मुफासा, ठीक है। बटरफ्लाई सबके सब वनडे का वेट कर रहे हैं, और वो वहाँ पे वंडा बनाया जा रहा है आपके सामने। खुर बनने के बाद जानवरों की चाल वाल भी अल्लाह के करम से सेट हो गई है काफ़ी, माशाल्लाह बोल देना भाई पलाई देख के। माशाल्लाह ये आ गई अपनी कोको, ठीक है, नूरे चश्म, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ज़रा दिखाऊँ ज़रा आपको नूरे चश्म, ठीक है। ये आ गई शहज़ादी, और क्या कह रहा था मैं, हाँ रानी हमारी जा चुकी है, वो वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा होगा, लेकिन जैसा मैंने बताया कि वीडियो बाद में बना रहा हूँ, तो रानी हमारी जा चुकी है। ये परी आ गई अपनी माशाल्लाह, ठीक है। ये आ गई हमारी रेड क्वीन, ये आ गई अपनी चमचम, चमचम चमचमाती हुई। सारे जानवर आज नहलाए ना, तो माशाल्लाह चमक रहे हैं सारे जानवर, गर्मी बहुत है आज इस वजह से। अच्छा, मस्तानी का नाम चेंज करके जाने मन रख दिया है, ठीक है जी। ये हो गई हैं अब जाने मन, ये जाने मन हो गई अपनी, और ये हो गई अपनी गुलाबो। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी। जाने मन भी अवेलेबल है फॉर सेल के लिए, और गुलाबों का वैसे भी इरादा नहीं है, लेकिन देखते हैं लेट्स सी, ठीक है जी। जाने मन अलबत्ता है अवेलेबल, गेनी बछड़ी है। ये आ गई ब्यूटी क्वीन माशाल्लाह, ये आ गई अपनी टाइगर बछड़ी। नॉर्मली मैं दिखाता नहीं हूँ वनडे से पहले जानवर, लेकिन फिर शाम में लोग आ जाते हैं, तो फिर टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने बोला भले कोके खाली हो रही हैं फिर भी जानवर दिखा दूँ, कोई मसला नहीं है। देखो सब खोरे चाट रहे हैं, वनडे का वेट कर रहे हैं। ये आ गई अपनी शेरनी, इसके बाद आ गई अपनी मलका, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मलका का दूध भी चल रहा है डेली बेसिस पे, और इसका मक्खन भी चल रहा है, तो सीने में आई गैस आपको नज़र आ रहा होगा कुछ ना कुछ डल रहा है अल्लाह के करम से। अब ये आ गई अपनी गोल्डी, गोल्डी का भी सिर्फ मैंने मक्खन स्टार्ट किया है, ठीक है, दूध अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ मक्खन स्टार्ट किया है माशाल्लाह। गोल्डी दो दांत है बाय द वे, नहीं सॉरी खीरी है, दो दांत नहीं है, खीरी है मेरे ख्याल से, याद नहीं रहता, इतने सारे जानवर हो गए याद नहीं रहता। ये आ गई अपनी हूर, हूर माशाल्लाह माशाल्लाह। और हूर के बाद आ गई अपनी मलका हुसन, माशाल्लाह चमक रही है बछड़ी। इधर देखो मलका हुसन, इधर देख लो एक नज़र, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। टोटल कितने जानवर हो गए, मेरे ख्याल से 51 जानवर हो गए टोटल अगर हम गिने। देखो उसकी आँख पे मक्खन लगा हुआ है अभी अभी खिलाया ना मक्खन इन सबको। तो टोटल 5 बछड़े, फिर 5 बछड़े, 10 10 और 5 बछड़ियाँ 15, 2 4 6, 15 और 6 21, फिर 2 4 और 5 21 और 5 26। ये चम्बेली आ गई, ठीक है। परसों वो आए थे अब्दुल समी भाई, बहुत तारीफ़ करके गए बछड़ी की ग्रोथ की, बहुत उनको खुशी है, और उन्होंने बोला खुर बनवाए थे तो उन्होंने बोला इसके सींग भी बनवा दो, तो अब अगर नेक्स्ट टाइम आएगा खुर वाला तो फिर इसके सींग भी बनवाए जाएंगे एज़ पर हिज डिमांड। ये आ गया अपना डायमंड माशाल्लाह, एलमंड और डायमंड की जोड़ी बना दी है हमने, और दोनों लड़ रहे हैं आपस में भाई, कैसी लग रही है ग्रोथ। डायमंड अपने फार्म का पहला बछड़ा माशाल्लाह, और ये एलमंड मुबशर भाई का एलमंड, और नाजिम भाई का डायमंड माशाल्लाह माशाल्लाह।
चीना बछड़े का मैंने पता नहीं नाम रखा था या नहीं रखा था, याद नहीं आ रहा। आप लोगों से सजेशन मांगा था इसके नाम के लिए, कोई सजेशन आप लोगों से मांगा था, तो आप लोगों ने सजेशंस देने, ठीक है जी। ये आ गया पेंगुइन अपना, ये अवेलेबल है फॉर सेल, ठीक है जी। और फिर आ गया अपना मिकी माउस, माशाल्लाह। तो 26 हो गए थे, 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31। अब आ गए अपने सुल्तान और लाल बादशाह, 32 और 33। माशाल्लाह 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 सुम्मा माशाल्लाह। इस बच्चे पे माशाल्लाह बोल देना भाई, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। 34 टेडी बेयर, सही है। 35 लाडला, माशाल्लाह। और 36 याकूत, ठीक है माशाल्लाह। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी आपको। और ये वही टेडा ब्रीडर आ गया, ये अपनी बकरी आ गई, ये ब्लैक वाला छोटा ब्लैक बछड़ा, ठीक है। तो ये अवेलेबल है फॉर सेल, रियो भी अवेलेबल है फॉर सेल, ठीक है। और ये आ गया सकब। तो हमारी काउंटिंग आगे पीछे हो गई, चलो काउंटिंग को छोड़ते हैं। आप लोग आई गेस गिन रहे होंगे, कमेंट करके बताइएगा अगर कोई गिन रहा था तो टोटल कितने होगा। मेरे ख्याल से टोटल 51 है, बकरा बकरी छोड़ के बड़े जानवर, जिसमें बच्चे भी मैं ला लूँ और गायें भी मैं ला लूँ। यह आ गया अपना सकब, माशाल्लाह, सही है। और ये आ गया अपना रियो, और ये आ गया अपना छोटा वाला ब्लैक बछड़ा। रियो और ये ब्लैक बछड़ा अवेलेबल हैं फॉर सेल, ठीक है जी। आगे चलते हैं अगले खाते में, वंडा भी तैयार है भाई माशाल्लाह। ये इस वाले खाते का है ना, ये इस खाते का वंडा है, सही है। इसमें सारी चीज़ें वही हैं, बस एक और आइटम एडिशनल है क्योंकि प्रीमियम पलाई पर हैं सारे जानवर, ठीक है। इसमें इस खाते के कुछ जानवर हैं, कुछ जानवर इधर वाले भी हैं इसके अंदर ना, बाकी ये नॉर्मल बाकी जानवरों का। बस इसमें एक आइटम ज़रा एडिशनल है, वो मैं बताऊँगा नहीं, सीधी बात है, वो सीक्रेट चीज़ है थोड़ा सा इन जानवरों की, क्योंकि पलाई का पैकेज सबसे बड़ा पैकेज है, सबसे हाई पैकेज पर हैं, इस वजह से कुछ चीज़ें इनकी ना एक्स्ट्रा चला रहा हूँ मैं अपने पास से। ये आ गया अपना ब्लैक गोल्ड, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने बात बोली है ना कि नहीं बताऊँगा, ये मैंने बोली है कि मैं पब्लिकली नहीं बताऊँगा, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मालूम है जिनके जानवर पल रहे हैं कि इसमें क्या चल रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। और ये आ गया अपना शाकाहारी क्यू, इसका नाम प्रिंस रख चुके हैं हम। और ये आ गया अपना, नाम नहीं रखा है अभी इसका, तसल्ली से रखेंगे, जल्दबाजी किस बात की है। आप लोगों ने इसके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे सजेशंस दिए हैं, इंशाल्लाह तसल्ली से इसका नाम रखेंगे। इसका दूध स्टार्ट करा दिया है, लेकिन इसका मसला ये, मक्खन भी चल रहा है, दूध का मसला ये, दूध ना ये थूक देता है, मुँह में जमा करके बैठ जाता है। बाल्टी से डायरेक्ट भी पिला के देखा है और नाल के ज़रिए भी, लेकिन ये दूध जो है ना ये थूके जा रहा है। अब नौमान भाई आएंगे ना तो उनसे मशवरा करके देखेंगे क्या तरतीब की जा सकती है, या तो गुड़ डाल दें, लेकिन बात वही है कि इसको ख़ुद से पीना चाहिए। यह आ गया महाराजा, मुंह पे मक्खन लगा हुआ है महाराजा के, सही है। और ये पांडा, पांडा के भी मुंह पे मक्खन लगा हुआ है, अभी अभी खाया। ये मरजान, इनकी भी नाक पे मक्खन लगा हुआ है हल्का हल्का, सही है। ये अपना वाइट लाइन आ गया, और ये आ गया अपना सिम्बा, और सिम्बा के बाद आ गया अपना थंडर, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और ये आ गया अपना थंडर, ठीक है, द बिग बुल। सो आई होप के 11 मिनट का तो खाली यही एक वो बन गया है कंटेंट सारे जानवरों का। अच्छा, आज मक्खन थोड़ा सा कम आ गया था क्योंकि ऊद और जमजम का भी आज से शुरू है ना, तो मिकी माउस का मैंने कहा था रोक दो क्योंकि मेरा अपना बछड़ा है, अभी मैंने सेल नहीं किया। मैंने बोला अगर आखिर में बच जाए तो फिर मिकी माउस को देना, तो ये सबसे आखिर में मिकी माउस का दिया जा रहा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जानवरों का सबका कंप्लीट हो गया, अब आखिर में सबसे लास्ट में इसको दिया जा रहा है, ये चीज़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नूरे चशम वंस अगेन, माशाल्लाह। पीछे से थोड़ा सा चला के भगा के लेकर आओ,
आ जाओ ले आओ ले आओ। वो पीछे परी जा रही है माशाल्लाह। सही है, चार चोल खड़ी करो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सही, चेहरा इधर कराओ चेहरा। ओ नहीं भाई, ले गई भाई। ठीक है ले जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, गोल्डी और बटरफ्लाई कितनी खूबसूरत जोड़ी लग रही है माशाल्लाह। हाय 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 सुभान अल्लाह माशाल्लाह। चमक रही है माशाल्लाह।